रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के मथुरा में यम द्वितीया के पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां शुरू कर दी गई। गुरुवार को जिलाधिकारी पुलकित खरे, एसएसपी अभिषेक यादव और नगर आयुक्त अरुण झा ने यमुना के घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान यम द्वितीया के पर्व पर यमुना स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था का जायजा लिया। यमुना घाटों पर साफ सफाई और सिल्ट को उठाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। संवाददाता मोनू दिवाकर की रिपोर्ट। सर बताएं, आज यम द्वितीया की तैयारियों को लेकर अपने घाटों का निरीक्षण किया है, किस तरह की व्यवस्थाएं रही? आज यम द्वितीया का जो पर्व कुछ दिनों में आने वाला है उसको लेके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त पूरी टीम के साथ निरीक्षण करा गया। यहाँ पे ये बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है जिसमें भाई बहन आते हैं और वो स्नान भी करते हैं और दर्शन भी करते हैं। उसको लेके जो तैयारियाँ होनी है, किस तरह से बैरिकेडिंग होनी है, नाविक की और गोताखोर की क्या व्यवस्था होनी है, लाइट्स की और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए जो अन्य सुविधाएं हैं, चाहे पीने का पानी हो, चाहे टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, सड़क में कुछ जगह अभी कमियाँ हैं जहाँ पर रिपेयर की ज़रूरत है, बिजली के कुछ तार नंगे लटक रहे थे उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तो इस तरह की तमाम जो कमियाँ हैं अभी यहाँ पर उसको लेके आज निरीक्षण करा गया। संबंधित विभाग के अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे और उनको निर्देश दिया गया है कि अगले 3 दिन में इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करा लें। 3 दिन बाद इसका फिर से मुआयना कराया जाएगा कि आज दिए गए निर्देशों का अनुपालन किस हद तक हुआ है। प्रयास यही है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आएँ, भाई बहन यहाँ पर आए, उनको किसी भी प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की सुविधा मिले, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। डुबकी लिए किस तरह बैरिकेडिंग की जाएगी, गोताखोर रहेंगे किस तरह रहेंगे? दोनों तरफ जो दोनों तट हैं दोनों तरफ ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी। सिविल डिफेंस के भी लोग मौजूद रहेंगे, नगर निगम के लोग भी मौजूद रहेंगे, कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे जहां पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी रहेंगे। बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ नाव की व्यवस्था करी जा रही है। गोताखोर पर्याप्त संख्या में रहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति को बचाने की जरूरत पड़ती है तो गोताखोर उन्हें बचा सकते हैं। पुलिस व्यवस्था भी पूरी चौक चौबन रखी जाएगी। रूट डिसाइड कर दिए गए हैं, रूट पे पर्याप्त ड्यूटियाँ रहेंगी, कंट्रोल रूम में पुलिस के भी अधिकारी रहेंगे। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लगातार इस बात का अनाउंसमेंट करता रहा जाएगा कि कहाँ पे कौन सी सुविधा होगी। कैमरा लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा के बारे में पता चला कि कुछ ख़राब हैं, उनको तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं और अगले 3 दिनों में उनको भी दुरुस्त करा लिया। अभी हाल ही रिसेंटली एक बच्ची जहाँ पर आप खड़े हैं यहीं से यमुना में बह गई थी, तो यहाँ पर निरीक्षण भी किया है, भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए क्या कुछ आप? दुखद हादसा हुआ था जब वो बच्ची पानी के बहाव में यहाँ से बह गई थी और उस समय भी एक जांच कमेटी मैंने बनाई थी। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, यदि यहाँ पे बैरिकेडिंग लग जाती है तो इस प्रकार के हादसे भविष्य में रोके जा सकते हैं। अगले 3 दिन के लिए नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि इसको तत्काल यहाँ पे उस बैरिकेडिंग की व्यवस्था करते हैं और इसका फिर से 3 दिन बाद चेक कराया जाएगा। उस व्यवस्था हो जाने से उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो। सिल्ट पे काम चल रहा है, लगातार नगर निगम की टीम लगी हुई है उसके ऊपर और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में ये सिल्ट साफ करा के पूरी सुविधा यहाँ।